नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के घटक राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। भले ही रालोद प्रमुख ने इस पर खुलकर कोई ऐलान नहीं किया हो, लेकिन उनके बयानों से तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है। रालोद ही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रालोद के एनडीए में आने वाले सवाल पर कहा कि बीजेपी परिवार में सभी का स्वागत है। रालोद के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बड़े संकेत दे दिए हैं, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत है, और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में हमारे विचारों से और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम सबको हृदय से स्वागत। दरअसल मोदी सरकार ने पश्चिमी यूपी में किसानों के बड़े नेता और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जयंत चौधरी काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने पीएम मोदी की भी दिल खोल कर तारीफ की है। इस दौरान जब उनसे एनडीए में शामिल होने का के सवाल किए गए तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब किस मुंह से इनकार करूं, अब कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। देखिए कुछ कसर रहती, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जैन के इस बयान के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन का टूटना तय हो गया है। जैन चौधरी समाजवादी पार्टी द्वारा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज बताए जा रहे थे। सपा ने उन्हें 7 सीटें दी थी, जिनमें से 4 पर सपा के कैंडिडेट को लड़ाने की बात कही जा रही थी, जिससे रालोद कार्यकर्ता भी नाराज थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने रालोद को 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने की बात कही है। इसके साथ ही केंद्र या यूपी सरकार में मंत्री पद की संभावना है। जैन के एनडीए में जाने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, जो भाग रहे हैं उनका चरित्र भागने वाला है, हो सकता है कि वो फिर वापस आ जाए। जब कोई चीज फाइनल सामने आ जाए तो ही पता चल पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।